अच्छा एक बात बताओ, क्या हम रसखान जैसे भी भक्त हैं कृष्ण के? कहने को हम सनातनी हैं, लेकिन हमसे कई गुना आगे थे रसखान। एक बार सुन ली थी कहीं बात उन्होंने, और एक बार सुन ली तो दीवाने हो गए भगवान के, कृष्ण के। किस किस को मिलना है कृष्ण से? कौन कौन चाहता है हम कृष्ण से मिले? तुम्हें भी मिलना है? क्यों खड़ी हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। रिद्धि, कहाँ से आई हो? अच्छा आप भी बनारसी हो? अच्छा कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में। अरे वाह, तो तुम्हें भगवान से क्यों मिलना है? माई गॉड की कसम, माई गॉड की कसम। एक बार और बताओ जो अभी आपने बताया। आप सब शांत रहिए, बच्चों को बोल लो। क्या भगवान सबका कल्याण करते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, ये आप भूल गई थी ना इस बार? और सबसे प्यार करते हैं और सबका कल्याण करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं, इसलिए जीवन में एक बार उनसे मिलना पक्का मिलना चाहिए। अच्छा आप ही मिलेंगे, सबको ही ट्राई करना चाहिए, सबको ही ट्राई करना चाहिए। गुड लक, औरों का नहीं पता, पर तुमको तो ट्राई करना ही चाहिए, और ट्राई करोगे तो मिलेंगे। हाँ बैठ जाओ। अच्छा हाँ एक बात नहीं पूछी हमने, तुमने कभी कथा बता सुनती हो हमारी? खड़े हो जाओ, ये तो हमारी प्रचार की बात तो जोर से करो। हमारी कथा सुनती हो? हाँ हाँ कभी कभार। किसके साथ? मम्मी और नानी, इन दोनों ने बिगाड़ा है तुम्हें, है ना? अच्छी बात है, अब बैठ जाओ। ये कथा सुनती हैं उसका ये प्रमाण है कि भगवान से मिलने का भाव भी है कि मिलना चाहिए एक बार कम से कम। अगर ये कथा ना सुनते तो ये कभी नहीं, ये पता है फिर क्या कहते? भगवान किसने देखा है? हुआ सीन गॉड। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में जितनी जल्दी हो सके बचपन से हमको भगवान की कथाएं सुनते रहना चाहिए, जिससे उन पे हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। और धन्य उस माँ को, धन्य उस नानी को, धन्य उस दादी को, धन्य उस परिवार को जिन परिवारों में बच्चों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। वो माँ माँ नहीं, वो दादी दादी नहीं, वो नानी नानी नहीं, वो नाना नाना नानी, वो दादा कुछ नहीं, जो अपने बच्चों को सही मार्ग न दिखा सके। और सच्चा मार्ग भगवान से मिलने का ही है, कोई और नहीं। पैसा कमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, घर बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब 10-20 हजार बच्चे हों कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा ना हो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। भगवान से नहीं मिलना, ये भगवान को नहीं जानना, या हम जानना ही नहीं चाहते, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमारे जीवन का नाश कर देती है, एक का नहीं 84 लाख योनियों का जन्म का बर्बाद कर देती है। इसलिए ऐसे माँ बाप धन्य जिनके घर में बच्चे छोटी उम्र से ही भगवान के भक्त होते हैं। तो रसखान, उनका नाम था रसखान। भगवान कृष्ण के परम प्रिय गोकुल और गोवर्धन पर्वत था। भगवान कृष्ण का नाम गोपाल गोविंद कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया रावण की लंका में सिर्फ विभीषण ही थे जो मांस नहीं खाते थे, पर वहां भी गौ हत्या नहीं होती थी। तो उस रसखान ने क्या कहा? रसखान ने क्या कहा? रसखान ने कहा, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। अगर मुझे चार पांव वाला बनाया भी जाए तो गौ बना जाए, और गौ भी गोकुल की बनाई जाए, और मुझे चराने वाला श्याम हो और मैं उसके पीछे पीछे, मैं गाय वो मेरा गोपाल,